नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों का। गुजरात में बीजेपी की लगातार छठी बार सरकार बनी है। विजय रूपाणी ने दूसरी बार राज्य के सीएम पद के रूप में शपथ ली है। रूपाणी के साथ नितिन पटेल ने उप मुख्यमंत्री पद और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और एनडीए की ताकत दिखाई दी। शपथ समारोह में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, 18 सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। साथ ही बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी, महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी नजर आए। पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने 48 घंटों के भीतर अपने 4 सैनिकों की शहादत का बदला पाकिस्तान से ले लिया। भारत ने पुंछ के पास रावलाकोट सेक्टर में जवाबी फायरिंग में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने बॉर्डर पर कर 4 पाकिस्तान सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। सेना ने एलओसी पार जाकर आईडी प्लांट किए। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने साथ ही क्रॉस फायरिंग की। रजौरी के कैरी इलाके से सटे नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़ते हुए भारतीय सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से की गई इस नापाक गोलीबारी में भारतीय सेना के 1 मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में राजौरी बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर में इंद्रे के रंबा गांव के जवान प्रगट सिंह देश की सेवा के लिए कुर्बान हो गए। वो अपने पीछे परिवार, पत्नी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए। उनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है। शहीद के परिजनों ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान को ऐसा ही करारा जवाब देती रहेगी। हम गर्व महसूस कर रहे हैं और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि आगे भी पाकिस्तान की नापाक हरकत कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निवास स्थान पर मीटिंग हुई। मीटिंग में कुलभूषण के माता पिता और पत्नी शामिल थे। विदेश सचिव एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार भी सुषमा स्वराज के निवास स्थान पर मौजूद थे। मीटिंग 3 घंटे तक चली। सोमवार को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां ने कुलभूषण से मुलाकात की। जाधव से उनकी पत्नी और मां की मुलाकात एक बंद कमरे में शीशे की दीवारों के बीच कराई गई। जाधव और उनके परिजन एक दूसरे को छू भी नहीं सके और ना ही सीधे बात कर सके। बातचीत के लिए एक फोन का इस्तेमाल किया गया और कई कैमरों की निगरानी में पूरी मुलाकात हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को झटका दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की दरों में 20% के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में शामिल जल बोर्ड के सदस्य और बीजेपी पार्षद जयप्रकाश ने कहा है कि मीटिंग में केजरीवाल भी मौजूद थे और उनकी मंजूरी के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की दरों में बढ़ोतरी को पारित किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि 1 साल के अंदर लोकसभा के साथ ही प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही हुड्डा ने लोगों के साथ लेने की अपील भी की। हुड्डा ने कहा कि वो जनवरी में गांव-गांव का दौरा करेंगे और फरवरी में वो सरकार की नाकामियों को लेकर रथ यात्रा निकालेंगे। करनाल में शहीद उधम सिंह की 118वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शिरकत की। मंत्री कर्णदेव ने कहा कि आज शहीद उधम सिंह की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। उधम सिंह महान व्यक्ति थे। उधम सिंह ने अपने देश के स्वाभिमान का बदला दूसरे देश में जाकर लिया था। शहीद उधम सिंह पर गर्व है। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मनोज खुद को पत्रकार बताता था और लोगों पर दबाव बनाकर पैसे ठगने का काम करता था। पुलिस का कहना है कि लाखों की ठगी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया। अंबाला रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा की अगुवाई में मीटिंग की, जिसमें 28 दिसंबर को प्रदेश में होने वाली हड़ताल की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम भी करेंगे। इस मामले में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने कहा कि परिवहन मंत्री कई बार मांगे मानने के बाद भी मांगे पूरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 28 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल को आगे तक जारी रखेंगे। यमुनानगर के औरंगाबाद इलाके में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक और डंपर की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
गोहाना के खानपुर गांव में बीपीएस अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक बीमार महिला के इलाज में देरी होने से उसकी मौत हो गई। दरअसल महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने समय से इलाज शुरू नहीं किया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने बीपीएस अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे से सभी डॉक्टर अस्पताल में चले गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत करवाई। बल्लभगढ़ में पुलिस की पिटाई मामले में पुलिस ने कड़ी सख्ताई शुरू कर दी है और एक दिन में ही 115 ऑटो के चालान काट दिए। पुलिस ने 115 ऑटो चालकों के चालान कर 101 ऑटो को इंपाउंड कर उन्हें थाने में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने 200 ऑटो की जांच भी की। दरअसल एक दिन पहले यानी सोमवार को ऑटो आगे करने को लेकर दो ऑटो चालकों ने एक पुलिसकर्मी की जबरदस्त पिटाई की थी। इतना ही नहीं, ऑटो चालकों ने सिपाही का सिर भी फोड़ दिया था। पुलिस इस मामले में ट्रैफिक में बाधा बनने पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोपियों को तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। प्रदेश में चोरी और लूटपाट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला बल्लभगढ़ का है, जहां चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए। वहीं पुलिस और फिंगरप्रिंट की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। चोर इन दुकानों से करीब 50,000 की नकदी और लैपटॉप के अलावा दूसरे सामान लेकर फरार हो गए। वहीं फरीदाबाद आईएमटी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बिजली के खंभे से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। वहीं शव की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को खंभे से नीचे उतारकर जांच शुरू की। परिजनों का आरोप है कि कर्मवीर ने असावटी में एक प्लांट लिया था, जिस पर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। उन्हें लगता है कि उसी विवाद में कर्मवीर की हत्या करने के बाद शव को बिजली के खंभे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया। फरीदाबाद के इंजीनियरिंग वर्कशॉप से चोरों ने 200 किलो की लोहे की सिल्ली की चोरी को अंजाम दिया। पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए इन चारों में से एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों चोर चोरी की बात को कबूल कर चुके हैं। फतेहाबाद के गांव डाड़ी थोबा में घर में घुसकर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। घायल दंपति को फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि दो लोग घर में घुसकर लाठियों से दंपति पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद हमलावरों ने लाठियों से पीट पीट कर पति को अधमदा कर दिया और पत्नी के भी हाथों को तोड़ दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अस्पताल में पहुंचकर दोनों घायलों का बयान दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजनाएं बनाई हैं। ये योजना जिला प्रशासन और नगर परिषद कर रही है। शहर में कैमरे लगवाने के लिए करीब 1,84,00,000 रुपए की राशि लगी है। रेवाड़ी के विधायक ने कहा है कि सरकार बनने के शुरुआती दिनों में भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ था, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। सरकार दावा नहीं करती कि भ्रष्टाचार बंद हो गया, लेकिन सरकार अंकुश लगाने के लिए संकल्पित है। रणधीर कापड़ीवास जिला सचिवालय स्थित धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। जींद के नरवाना रोड पर स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी के मुनीम चंद्रपाल को गोली मार दी और उससे 22,00,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। गोली लगने से चंद्रपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देश दुनिया में कबड्डी के माध्यम से हिमाचल का नाम रोशन कर चुके स्टार अजय ठाकुर को खेल विभाग से मलाल है कि अनदेखी के कारण उन्हें परशुराम अवार्ड से वंचित रखा गया। इसके लिए वो 2014 से कोशिश में लगे हैं। खेल विभाग के अधिकारी टालमटोल कर उनकी फाइल को दरकिनार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि करियर के लिए खतरा बनी चोट से वापसी करना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में बड़ी चुनौती साबित नहीं होंगे।
भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी समीर वर्मा ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग के सीजन 3 में सोमवार को कर्मावीर इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में अपनी टीम मुंबई रॉकेट्स को दिल्ली डैशर्स के खिलाफ शुरुआती मुकाबला जीतकर बढ़त दिला दी है। दिल्ली में अपनी रिसेप्शन से चार चांद लगाने के बाद विराट और अनुष्का की शादी का दूसरा रिसेप्शन आज मुंबई में होगा। परिल के सेंट रेजिस होटल में होने वाली इस पार्टी में टीम इंडिया के साथ साथ बॉलीवुड सुपरस्टार्स और कई राजनेता भी शिरकत करेंगे। वहीं इस रिसेप्शन में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और तूफानी फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा समेत पूरी टीम के पहुंचने की खबरें आ रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज में कोहली ने न खेलने से रोहित शर्मा और केएल राहुल ने आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। भारतीय टीम ने यह सीरीज 3-0 से जीती, जिससे वो टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने निजी कारणों से इस सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका एक भी सीरीज नहीं जीती है, लेकिन कोच रवि शास्त्री का कहना है कि भारतीय टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और इस साल वो एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है। शास्त्री ने कहा कि अगले महीने से शुरू होने वाले दौरे पर हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे लिए सभी विपक्षी टीमें एक समान हैं। हम हर विपक्षी टीम का सम्मान करते हैं और हर मैच हमारा घरेलू मैच होगा। श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 5 विकेट से मिली जीत के साथ टीम इंडिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ भारत ने साल 2017 में 37वीं जीत दर्ज की। सीरीज की बात करें तो भारत इस साल 14वीं सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। श्रीलंका को बुरी तरह से रौंदने के बाद भारत को आईसीसी में 2 पॉइंट्स का फायदा मिला है। टीम इंडिया के 119 से बढ़कर 121 अंक हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ क्रिसमस पर बधाई देकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं। कैफ ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर परिवार के साथ एक फोटो शेयर की थी, लेकिन ट्रोलर्स को उनका क्रिसमस मनाना पसंद नहीं आया। ट्रोलर्स ने कैफ के क्रिसमस मनाने को इस्लाम के खिलाफ बताया और कहा कि एक मुस्लिम का ऐसा करना उसके धर्म के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना है कि भारतीय टीम और उसके कप्तान विराट कोहली पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल गए हैं और आगामी टेस्ट सीरीज में वो इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। भारत ने साउथ अफ्रीका में कभी कोई सीरीज नहीं जीती है और 2011 में सीरीज 1-1 से बराबर करना यहां भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत और साउथ अफ्रीका के 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 जनवरी से होगी। दबंग 3 में सोनाक्षी सिन्हा की जगह नजर आ सकती है छोटे पर्दे पर नागिन मोनी रॉय को लेकर अटकलें भी आ रही हैं। इन खबरों को तब और बल मिला जब बिग बॉस 11 के मंच पर मोनी ने सलमान के साथ गाने पर रोमांस करती नजर आई। जानकारी के अनुसार दबंग के दोनों फिल्म में नजर आने वाली सोनाक्षी सिन्हा का पत्ता कटता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।